नमस्कार दोस्तों, मैं हरी, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी लगती है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो कि ये कितनी बढ़िया बनी है। इसे आप चाहे तो बिना किसी चटनी के या फिर ऐसे दही के साथ में खा सकते हो, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चले दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काटी हुई पालक को मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। मैंने इस पालक को अच्छे से साफ करके इसके डंडियों को काट के ऐसे पालक को काट कर लिया है। ये लगभग वेट में 250 ग्राम है और जुड़ी में एक जुड़ी है। तो पालक को मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, प्याज ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दे, नहीं तो बिना प्याज के भी बना सकते हो। यह है लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, इसको भी डालेंगे। एक चम्मच अजवाइन, इसको हाथों में रख के हाथों से ही क्रश करके डाल दे ताकि इसका फ्लेवर हमारे नाश्ते में आ जाए। और अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और पालक थोड़ी सी खाने में हार्ड होती है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार नमक, थोड़ी हल्दी। दोस्तों, आज का यह हमारा नाश्ता बहुत ही कम तेल से और हेल्दी बनने जा रहा है। तो आप डालेंगे एक बाउल बेसन का आटा। बेसन का आटा डालने के बाद इसको मिलाते हुए मसल कर लेंगे। इसमें पानी डाले बिना ऐसे मसल कर लेना है ताकि पालक में जो पानी होता है वो रिलीज हो जाए। फिर जरूरत के अनुसार पानी डाल देंगे। अभी डालेंगे थोड़ा सा पानी और मिला देंगे। आपने देखा है कि मैंने इसमें पानी बहुत ही कम डाला है, क्योंकि इस बैटर को ना हमें ज़्यादा पतला बनाना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये देखे, ऐसा बैटर होना चाहिए। अभी हम चलते हैं किचन की ओर। ऐसा नॉनस्टिक का तवा लेके पहले उसको तेल से ग्रीस कर ले और उसके बाद बड़ा वाला एक चम्मच पालक का बैटर इस पे डाल देंगे और चम्मच की हेल्प से इसको फैलाते हुए सेफ देंगे। इस बैटर को तवे पे डालते समय आपके गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो होना चाहिए और तवा भी ज़्यादा गर्म नहीं होना, नहीं तो क्या होगा कि बैटर को आप अच्छी तरह से फैला नहीं सकोगे, क्योंकि तवा गर्म होने से बैटर सूख जाएगा और नीचे से ये चिपकते रहेगा। ऐसे ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दे। तेल लगाने के बाद इसको दूसरी ओर से पलट कर सेक लेंगे। दूसरी ओर से भी यह पक चुका है। इसको पलट कर मैं आपको दिखाता हूं, है ना हरा भरा पालक से भरपूर। दोस्तों, इसे आज ही बनाइए, ये अपने आप में बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, इसीलिए इसे बनाते समय आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।